बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम इतजाज़ फैसल है। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट होगी हमेशा की तरह कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर तमाम तर रियल इस्टेट से रिलेटेड वीडियोस जो इस चैनल के ऊपर अपलोड होंगी आपको उनसे फ़ायदा हासिल हो सके। ये वीडियो थंबनेल और टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से होगी। ठीक है, कैपिटल स्मार्ट सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि अब किसी तारुफ का मोहताज नहीं रहा। उसके बारे में इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि अपने आप में वो है, अपने आप को काफ़ी हद तक मनवा चुका है। ना सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी, इवन लाहौर स्मार्ट सिटी भी, इनका जो प्रोजेक्ट है हबीब रफ़ीक साहब का, इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा वो अपने टाइम जो है बुरा टाइम समझा वो देख लिया, अब अच्छा टाइम ही देख रहे हैं। मोटर वे के ऊपर इस कैपिटल स्मार्ट सिटी का अपना ज़ाती इंटरचेंज है जो कि इंशाल्लाह जल्द बन भी जाएगा, और अब समझें कि तमाम तर इसके लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से जो अहम बात ये रखनी थी, देखें अब इस सोसाइटी की एक पोजीशन है, ठीक है, और अब जाहिर सी बात है अगर देखा जाए तो ये तमाम तर जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा इसके अंदर, और किया जा भी रहा है। ठीक है, कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर आपकी फ़ाइल जो है वो कैंसिल भी हो सकती है। नए नोटिफिकेशन ओवरसीज सेंट्रल और ओवरसीज ईस्ट के हवाले से जो है वो आया है, तकरीबन 3-4 दिन हो गए इसको आए हुए भी। इसके अंदर वाजे तौर पे कहा गया है कि आप 4 नवंबर तक अपनी तमाम तर ड्यूज़ को जो है वो क्लियर कर लें। जब कोई नई सोसाइटी होती है, कोई अच्छी सोसाइटी होती है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के लिए मेट्रो सिटी को कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मेट्रो सिटी नया लॉन्च हुआ था, इतनी हाइप थी उसकी, ठीक है, जब उसकी लॉन्चिंग हुई थी तो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा हाइप थी और काफ़ी सारे लोग उसमें इंटरेस्टेड थे, और साफ तौर पर वाजे तौर पर नज़र आ रहा था कि यार इसमें अनकरीब में ही काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉफिट नज़र आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड ऊपर नीचे हुआ क्योंकि आपको पता है मामला क्या चल रहे हैं इस वक्त मुल्क के, लेकिन अब ऐसे लोग जो कि एक फाइल अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने फटाफट तीन तीन चार चार फाइल्स उठा ली, तो ऐसे मौक़ों पे जिस वक्त अभी कैपिटल स्मार्ट सिटी खड़ा है इस पोजीशन पे आके जब मेट्रो सिटी भी फाइल की कैंसिलेशन वाली नोटिफिकेशन जारी कर देगा तो फिर वो लोग थोड़े से मतलब उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए कहते हैं कि आपकी जितनी चादर होनी चाहिए उतने पांव फैलाएं, ज़्यादा की लालच ना करें, तरीके से चलें। अगर आप तरीके से चल रहे होंगे, अच्छी जगह पर आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो आपको डेफिनेटली 100% फ़ायदा होना है। ठीक है, भले वो सोसाइटी ओवर सेल करे, कुछ भी करे, एक्स वाई जी, ये आपका इशू नहीं है। आपने सोसाइटी को देखना है, ठीक है, और आपने इंतखाब करने के बाद उसके साथ तरीके से चलेंगे तो डेफिनेटली वो आपको प्लॉट भी देगी, हर चीज़ देगी, और वो आपकी जो चीज़ें हैं वो प्रॉफिट में आनी ही आनी है। लेकिन अगर आप हर जगह ये चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे, अभी फैसल टाउन की आपकी सामने प्राइम एग्जांपल है, प्री लॉन्चिंग में बुकिंग हो रही है, हो रही थी, बल्कि क्लोज हो चुकी है, तो प्री लॉन्चिंग में जब बुकिंग हो रही थी तो काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है और वो एक एक दो दो फाइल्स ले सकते थे, उन्होंने ज़्यादा भी की है। हमने तो काफ़ी लोगों को टर्न डाउन भी कर दिया और इस वजह से जो है वो बजिद हो रहे थे कि नहीं आप हमारी जो है वो इन्वेस्टमेंट करवाएं और हमें फ़ायदा हो, हमें फ़ायदा हो, तो फ़ायदा हमारे हाथ में नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं अपने फ़ायदे के लिए ये चीज़ ज़रूर आपको कोट कर सकता हूँ कि चाहिए आप कर लें, आप 4 इन्वेस्टमेंट ले लें, मेरा तो फ़ायदा है, मेरा तो कोटा निकल जाएगा, ठीक है, या जो भी चीज़ मेरे पास इन्वेंट्री है वो मेरी सोल आउट हो जाएगी। लेकिन एंड में जो है ना वो डिसएडवांटेज इस दहेज पे जब कोई सोसाइटी आ जाएगी और वो इतनी पावर रखेगी कि वो कोई भी फाइल कैंसिल कर दे अपने तरीक़ेकार के तौर पे, क्योंकि उसके नीचे जो आप कभी भी फॉर्म फिल कर रहे होते हैं ना उसके पीछे पूरा क्लॉज लिखा हुआ होता है, वो कभी भी कोई नहीं पढ़ता, उसके अंदर क्लियरली वो मेंशन करते हैं कि भाई अगर आपने इस तरीके से नहीं किया तो हम इस पोजीशन पे आके फाइल भी कैंसिल करेंगे और आपके जो पैसे हैं वो 4 साल बाद अगर आपको 10% काट के भी दें तो आप सोचें कि आपके पैसे की वैल्यू ही कुछ नहीं रह गई। ठीक है, अभी प्रीवियसली 1 साल में 1 लाख रुपये जो है वो तकरीबन आपको 70,000 रुपये आ गया, तो आप सोचें 4 साल बाद वो उसमें से भी अगर आपका 10% कट के आपको मिल रहा होगा तो आपके पास तो कुछ आया ही नहीं, मतलब फिर आप अपना लॉस करेंगे। ठीक है, और तो बेसिकली यही आपके सामने रखनी थी कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो है वो या तो हो सकता है कि पेमेंट प्लान अपग्रेड कर दिया जाए आपके हिसाब से, मतलब फाइल का रेट जो है वो फिर आपने किसी और पे बुकिंग करी हुई हो उसको वो अपडेटेड प्लान में ले जाएं, या फिर फाइल कैंसिल भी कर दें और ये कर भी देते हैं। तो इसलिए जो है आप अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट्स, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, छोटी सोसाइटी हो बड़ी सोसाइटी हो, ठीक है, चलें आप अगर नहीं भर रहे हैं पेमेंट, आप इंस्टॉलमेंट नहीं भरना चाह रहे हैं, आप मुतमईन नहीं हैं, अक्सर ऐसा भी होता है कि यार बंदा मुतमईन नहीं होता और हमारे क्लाइंट मुतमईन नहीं होते, तो उनको मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि सर आप सोसाइटी में ना दें पैसे, आप अपने पास जोड़ना शुरू कर दें इसी नीयत के साथ कि ये जब भी अगर कोई इस तरीके की पॉजिटिविटी आती है, ये एक किस्म की पॉजिटिविटी है उन लोगों के लिए जो कि टाइमली चीज़ें चला रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की कोई भी स्टेप लेती है सोसाइटी तो फिर आप जो है हाँ आप खुद ब खुद जो है वो पैसे निकाल के आप हमारे थ्रू या अपने थ्रू जिस तरह भी आप सोसाइटी में सबमिट करवा लें और वो एक अच्छा इम्पैक्ट आ जाएगा।
तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें, जितनी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बआसानी कर सकते हैं। हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि मैं हर क्लाइंट को यही चीज़ कहूँ कि आप पहले तो प्रॉपर तौर पे मुतमईन हो जाएं, और दूसरा आप बआसानी जितना कर सकते हैं अपने आप को मुश्किल में डाले बगैर, अगर आप 10 मरला ले सकते हैं तो आपको कतई ज़रूरत नहीं है कि आप 14 मरला की तरफ जाएँ, आप 10 मरला पर ही रहें। ठीक है, स्टिक टू योर मतलब अपने प्लान के हिसाब से रहें। ठीक है, और इसमें कोई देखें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेल नहीं हो रही होती हैं, जो फंसी भी होती हैं। ठीक है, वो थोड़े से ऑड साइज होते हैं, ठीक है, वो फंस रहे होते हैं तो आपको कह दिया जाता है कि सर ये थोड़ा बड़ा है इसमें, और आप तो आप अपने हिसाब से चलें, अपना अच्छे लोगों का इंतखाब करते हुए जो है वो उनसे डिस्कस करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट करें। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ पर एंड करूँगा। इस ओवरसीज सेंट्रल और ओवरसीज ईस्ट के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखें, अपनी ड्यूज़ क्लियर करवा दें 4 नवंबर तक, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है उनके लिए बेहतर हो सकेंगी इन फ्यूचर। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।